जगत हो, राजनीति हो या क्षेत्र हो, व्यापार, जुर्म, फरेब की हर गली से गुजरे जो कह के खबरदार, झूठ का पर्दाफाश करेगा सच का पहरेदार, हर तरह की खबरें लेकर पेश है मुंबई रफ्तार। नमस्कार, मैं हूं सैयद शादमा और आप देख रहे हैं मुंबई रफ्तार न्यूज। देसी खाना सबसे अच्छा लगता है, राजमा चावल, करी, चिकन, बटर चिकन, बिल्कुल जो स्टेपल नॉर्थ इंडियन डाइट होता है, मुझे ये सब बहुत पसंद है। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग बोथ नॉन वेज एंड वेजिटेरियन क्विजीन। एंड फूड फेस्टिवल है, रेन होटल्स अभी इनॉग्रेट हुआ है इस साल ही, तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। उनको बहुत बहुत बधाई हो एंड उनके ऐसे बहुत सारे चेन्स और खुले हिंदुस्तान में, यही मेरी इच्छा है। निहारिका द आइडिया ऑफ निहारिका जी को लेके आने का वॉज थ्रू वन ऑफ अ कॉमन फ्रेंड एंड आई थिंक शी इज़ द मोस्ट एप्ट ब्रांड एम्बेसडर फॉर आवर होटल। शी इज़ अ वेरी यंग एंटरप्राइजिंग लेडी एंड वी ऑल्सो एस्पायर टू बी लाइक वी आर ऑल्सो यंग कंपनी एंड I like that. Yeah.
Very nice. To the director, there's one question. Yeah. You know, what sort of food festivals would there in Mumbai maybe or even Nashik? Bilkul, haan. So, I mean, why Nashik? Yahan pe hi kis tarah se ye plan bana, please? सी हम लोग बॉम्बे में भी काफ़ी सारे फूड फेस्टिवल कर चुके हैं बट ये होटल हमने रिसेंटली लिया हुआ है 1st of January से हमने ये होटल एक्वायर किया हुआ है. हम चाहते थे कि नासिक के मतलब नासिक के लोग हमारे मतलब ग्लोबल फूड फ्यूजन फूड फेस्टिवल में मतलब उनको मतलब इंट्रैक्शन मतलब दे गेट यूज टू द फूड हियर. तो ये रीज़न था हमारा मतलब नासिक में फूड फेस्टिवल लेके आने का. तो मेरा एक सवाल है कि नासिक में खाना अलग है क्या मुंबई से? नहीं बिल्कुल, नासिक एज अ बेटर, नासिक का खाना बेटर है. बेटर है, स्ट्रीट फूड, स्ट्रीट फूड इज वेरी गुड. लेकिन हम लेके आ रहे दुनिया का खाना यहाँ पे. इट्स नॉट जस्ट स्पेसिफिक पार्ट ऑफ इंडिया बट फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, ओरिएंटल कॉन्टिनेंटल फूड, सी फूड स्पेशली, ये सारे हम नासिक में लेके आ रहे हैं. और क्योंकि ये यहाँ पे वाइन्स अच्छी बनती है मैंने सुना है, तो डू यू हैव अ लार्ज सिलेक्शन ऑफ वाइन्स? वी हैव अ ह्यूज सिलेक्शन ऑफ वाइन एंड द बेस्ट cuisine to match up with the wine would be your seafood, and this would be one of the best restaurants, hotels to in serve Nashik. Seafood in Nashik. Very nice. Niharica, what is your favorite food with wine, any specific? So I would like to say that I am a teetotaler. However, I come from a country where there are a lot of vineyards as well, Luxembourg, and so we know about wine, but I've never actually tasted. But you know, for that matter, one day I should actually wine taste, you know, that I should put on my bucket list. And so I've never drunk wine, so I don't know what food would be good with it, but I'm sure, I shouldn't say it actually. Okay, apart from the thing I want to say, I won't say it in India, but I can say it abroad. I like fish. Good fish. So you are the right place. Yeah. So thoda sa agar aap festival ke bare mein agar bata sahe apne media friends ke liye, to kya brief thoda sa unke liye agar aap kar de thoda. दिस ये फेस्टिवल 22nd, 23rd, 24th को है और इन हमारे इस होटल में इट विल बी रनिंग टू द तीन वेन्यूज़ में चल रहे हैं. एक नीचे कॉफ़ी शॉप में चल रहा है, नीचे यहाँ पे मेजेस्टिक में चल रहा है, एंड एक स्पाइस गार्डन करके हमारा एक स्पेशलिटी रेस्टोरेंट है टेरेस में, वहाँ पे भी है. तो ये फेस्टिवल है सुबह दिन में 12 से 3, शाम को 7 से 11. ये ऐसा फ्राइडे सैटरडे संडे. अदर देन दिस हमारे पास बहुत सारे अच्छे मतलब एंटरटेनमेंट है, जैसा वी हैव डांसर्स कमिंग इन फ्रॉम बॉम्बे, देन हमारे पास वी हैव लॉट ऑफ फन फिल्ड गेम्स जो मतलब जो आपके मतलब फैमिलीज को इट विल कीप देम वेरी एंगेज. वी हैव लाइव म्यूजिक एज वेल. लाइव म्यूजिक एज वेल. अभी बाकी है टेस्ट करना, अभी लंच का टाइम ही का हुआ है. द बेस्ट इज ऑलवेज फॉर द लास्ट. यस. आई नो, मैं हाँ मैं ही खुद सारे रिव्यूज पढ़ रही हूँ. तो इट्स अ वेरी बिग फिल्म फॉर इंद्र कुमार एंड फॉर द टीम, बट स्पेशली फॉर इंद्र कुमार. सो आई रियली होप दैट द टोटल धमाल टीम एक्चुअली क्रिएट्स टोटल धमाल ऑन द बॉक्स ऑफिस. तो ये 3 दिन हैं, जैसे कि ये 3 दिन फूड फेस्टिवल के हैं, ये टोटल धमाल के लिए भी 3 दिन बहुत महत्वपूर्ण है. एंड आई रियली होप वी कैन मेक अ ह्यूज कलेक्शन एंड इस साल की बहुत बड़ी फिल्म. Yeah, I have seen, I believe I have seen one, a couple of films, I believe. There was only 2 of them. So yeah, they were really nice. Yeah. Dhamal 1 was amazing. And Dhamal 2 was also good. Double Dhamal. Yeah, but I think the Dhamal 1 was the best one. Yeah. No, don't say that. You haven't seen Total Dhamal yet. No. The two existing, which please, one? Please see Total Dhamal and then say that. जी, मैं पहली बार आई हूँ. मैं पहली बार आई हूँ. मैं नासिक के बारे में एक चीज़ बोलना चाहूँगी. थोड़ा मतलब इट वॉज काइंड ऑफ सैड फॉर मी, बट पहली बार मैं आई थी तो मैं साईं बाबा के मंदिर पे आना चाहती थी, लेकिन मैं कभी पहुंच ही नहीं पाई क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हुआ था. और मुझे कहा गया था कि बुलावा आता है, तो बुलावा आया है इस दिन
कैन यू इमेजिन, मतलब मैं आई थी यहाँ पे, मेरा पूरा प्लान था, पूरा विजिट प्लान था नासिक का, और उस दिन ही मतलब महाराष्ट्र मुंबई से छोड़ते छोड़ते ही मेरा कार का एक्सीडेंट हो गया, और आज मैं आ गई और मैं इतनी खुश हूँ कि मैं यहाँ हूँ। और मैंने अपने आप को कहा कि देखो आज मेरी पिक्चर का रिलीज़ है, आज इनका फूड फेस्टिवल का ओपनिंग है और रेन होटल्स का इनॉग्रेशन है, इतनी सारी चीज़ें हैं आज, सो इट्स अ वेरी पॉजिटिव डे फॉर मी, मैं ये दिन कभी नहीं भूल पाऊँगी रियली। फूड फेस्टिवल में किस किस तरह के फूड रखे हैं आपने, क्या क्या है, और शेफ के बारे में आप थोड़ा सा जानकारी। राइट, सो ये फूड फेस्टिवल में वी हैव इंडियन फूड, मुगलाई फूड है, लोकल महाराष्ट्रियन फूड है, सी फूड है, सी फूड का बहुत बड़ा मतलब काफ़ी स्प्रेड है स्पेस सी फूड, देन चाइनीज है, थाई है। Would you like to put some more light, Sundar Ajit? Yeah, so basically हर part India का we have chosen और उसका हर एक अच्छे अच्छे dish लिए हैं हमने, ऐसे specifically नहीं है कि सिर्फ south के लिए, हमने north के भी लिए है, you know every part से लिया हुआ है। मुंबई में हम काफ़ी food festivals कर चुके हैं। ये हमारा नासिक में first food festival, पहला food festival ये hotel हमने 1st of January को take over किया हुआ है। सर, तो यहाँ के जो local लोग हैं, लोकल खाना पसंद करते हैं, तो क्या किसी को यहाँ पे आपने इनवाइट किया है, जो भी मतलब थोड़े से जो लोग हैं या फिर कोई जैसे हम यहाँ के मतलब काफ़ी बड़े मतलब अच्छे सेलिब्रिटीज़ सारे मतलब पॉलिटिशियंस को हमने इनवाइट किया हुआ है, ये लोग अगले दो दिनों में मतलब हमारे साथ रहेंगे इवनिंग्स में, सो सारे मतलब काफ़ी मतलब देर काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट लोग जो नासिक के सारे इम्पोर्टेंट लोग से उनको इन्वाइट हुआ है। और रेन का USP क्या है सर, जैसे सर ने कहा कि 1st of January को टेक ओवर किया है, फूड के मामले में बात करें या फिर हॉस्पिटैलिटी के बारे में बात करें, तो क्या USP होने वाली है रेन की? रेन ग्रुप जो है वो एक यंग होटल ग्रुप है, यहाँ पे मतलब जो जैसा मतलब एक टिपिकल होटल हुआ करता था जैसे आप मतलब बड़े फाइशस, ये इस तरह की एक नहीं, ये यंग होटल ग्रुप है, यहाँ पे सारा मतलब जो चेक इन एक्सपीरियंस है, फूड एक्सपीरियंस है, ये सारा कुछ डिफरेंट है, ये टिपिकल वो मतलब स्टीरियोटाइप होटल्स नहीं है, ये थोड़ा सा फ्यूजन होटल है। आप लोगों को मुझे रेसिपीज नासिक के महाराष्ट्र के देने होंगे, क्योंकि मैं नॉर्थ इंडियन हूँ और मैं आई कैन कुक नॉर्थ इंडियन फूड, पर आई कैन नॉट कुक महाराष्ट्र। आपको चिकन पसंद है, फिश पसंद है, हाँ जी, खाना बहुत पसंद है, बहुत अच्छी बात है, हाँ जी, लेकिन आपका वेट नहीं बढ़ता कितना का? मैं तो अभी मेरा वेट घट रहा है, क्योंकि वो सारे डायरेक्टर लोग कहते हैं कि स्क्रीन का वजन आप सोचिए, नॉट रियल लाइफ में वजन, तो अभी स्क्रीन के लिए अभी क्या करें, पतला ही रहना पड़ता है। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।